नमस्कार, आप देख रहे हैं News+24। आपके साथ मैं अंशिका हाजिर हूं खास खबर के साथ। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन का तीसरा फेज चल रहा है। इसकी मियाद 17 मई को खत्म हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन के खत्म होने से पहले सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बात करेंगे। पीएम मोदी की ये मीटिंग दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। इस मीटिंग में 17 मई के बाद के प्लान पर चर्चा हो सकती है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से 17 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन के बाद की रणनीति पर इस पर चर्चा हो सकती है। लॉकडाउन के साथ साथ बिहार की सियासत भी अपने चरम पर है। लगातार नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। इसके सबसे मुख्य पात्र हैं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। सुशील मोदी ने एक बार फिर से लालू यादव पर हमला किया है। लालू यादव के सवाल पूछे जाने पर सुशील मोदी ने कहा कि उन्हें यदि अपना राजकाल याद नहीं है तो कम से कम प्रकाश झा की 2 फिल्में गंगा जल और अपहरण को देखना चाहिए। उनको याद आ जाएगा कि उनके समय बिहार में किस तरह की सत्ता चलती थी। सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लालू राबड़ी राज में जहां जातीय नरसंहार और नक्सली उग्रवाद के चलते खेती किसानी चौपट हुई, वहीं हत्या, लूट और उद्यमियों व्यवसायियों से फिरौती वसूलने के लिए अपहरण की बढ़ती घटनाओं के चलते व्यापार ठप पर गया था। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।